साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस लाइव कार्यक्रम में दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो दोस्तों, इस लाइव में मैं आपको इंडी अलायंस की एक हकीकत दिखाऊंगा। इंडी अलायंस की एक ऐसी हकीकत जो केजरीवाल से जुड़ी हुई है। केजरीवाल को दोस्तों इंडी अलायंस की बैठक से पहले तगड़ा झटका लगा है। वैसे तो अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के लिए झटके पे झटका ये कोई अब नई खबर नहीं रही, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन चूंकि कल इंडी अलायंस की एक बहुत बड़ी बैठक हो रही है, उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने केजरीवाल को औकात दिखाई है दोस्तों, ये मैं लाइव में बताऊंगा। इसके अलावा सुनीता केजरीवाल फोन बंद हो गया, क्यों बंद हो गया? कल तो उन्होंने कैंपेन शुरू किया था ना, अब वो फोन क्यों बंद हो गया, इसका राज भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा आज केजरीवाल के लिए कुछ और मुसीबतें आई दोस्तों। एक इनके मंत्री कैलाश गहलोत, वो कैसे फंस गए, अब कैसे उनके जेल के अंदर जाने की बारी आ गई है। और इसके अलावा जल बोर्ड घोटाले की खबर, यानी आज ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई जिसको एक साथ समेटने की कोशिश करूंगा और आपसे निवेदन करूंगा। लाइव हूं तो आप जुड़िए, बताइए और मुझसे संवाद कीजिए, अपने विचार भी रखिए। लेकिन पहले दोस्तों, सबसे पहले कल की खबर, और कल सुबह की, कल की बल्कि आप समझिए कल की जो सबसे बड़ी खबर होगी वो यही होगी कि सुबह सुबह इंडी अलायंस ने क्या कुछ किया, क्या गुल खिलाए, और फिर दोपहर के बाद प्रधानमंत्री मोदी की मेरठ में रैली। तो आप देख लीजिए सबसे पहले इस खबर को। दिल्ली की महारैली में शक्ति प्रदर्शन करेगा इंडी गठबंधन, अपना ही नाम दिया हुआ है इंडी गठबंधन, पता है ना आपको। हम लोग तो खुशी मना ही सकते हैं ना दोस्तों कि ये आपके प्रेम से, आपके इसी संवाद के जरिए मैंने नाम दिया था और आज सबको यही नाम लिख रहा है। तो दिल्ली की महारैली में शक्ति प्रदर्शन करेगा इंडी गठबंधन, राहुल गांधी समेत 13 दलों के नेता रहेंगे मौजूद। अब नेता भले ही एक जगह बैठ जाएं, लेकिन दिल कहां मिल रहा है आप देखिए ना। बिहार में फ्रेंडली फाइट, महाराष्ट्र में मिल कहां रहा है, पंजाब में, केरल में, किसी भी राज्य उठा लीजिए, बंगाल में, किसी भी राज्य की कहानी देखिए दोस्तों, कौन सा इंडी अलायंस और कौन कौन से नेता मौजूद हैं। अभी केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल की कहानी बताऊं और कैसे लड़ाई हो रही, मैं टू विंडो में एक वीडियो भी दिखाऊंगा, पहले इसी में देखते हैं। इस रैली में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार, शिवसेना उद्धव ठाकरे अध्यक्ष जो उसके पार्टी के हैं, समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आदि मौजूद रहेंगे। लेकिन इन पर नजर नहीं रहेगी, आपको क्या लगता है? अब राहुल गांधी बोलेंगे तो कुछ ना कुछ तो मजेदार चीज निकलेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं, वो तो आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन जो सबसे मजेदार है, मैं अभी आपको बता दे रहा हूं कि कल के इंडी अलायंस की बैठक में जो सबसे मजेदार चीज दिखने वाली है और जिन पर नजर रहेगी, वो दो लोग होंगे, याद रखिए। एक होंगी कल्पना सोरेन और दूसरी होंगी सुनीता केजरीवाल। जी हां, देख लीजिए बड़े ध्यान से, सुनीता केजरीवाल से मिली कल्पना सोरेन, कहा हम दोनों मिलकर लड़ेंगे ये लड़ाई। अभी तक तो मैं देखता था दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जब कहते थे ना कि हमारी लड़ाई परिवारवाद से है, तो कई बार लगता था, आपको भी लगता होगा कि ये केजरीवाल में नहीं फिट बैठता है, ऐसा ही लगता था ना। लेकिन अब समझ में आता है कि ये परिवारवाद से लड़ते लड़ते केजरीवाल भी वो ही हैं, पहले व्यक्तिवाद और फिर परिवारवाद, और इसीलिए अब इनका लड़ना कल्पना सोरेन या सुनीता केजरीवाल का जायज है। लेकिन ये कोई पारिवारिक न्याय के लिए लड़ रहे हो ऐसा नहीं है,
ये भी पॉलिटिकल गेम में घुस गए हैं और पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब पॉलिटिकल लड़ाई लड़ेंगे तो आपके सामने तो बहुत सारी चीजें होंगी ना। आप देखिए ना क्या लिखा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन इंडी गठबंधन की रैली में शामिल होने शनिवार को दिल्ली पहुंची। कल्पना सोरेन अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलने पहुंची। कल्पना सोरेन ने मुलाकात के बाद कहा, हम दोनों मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे। अब तो जो बचा खुचा था ना दोस्तों परिवारवाद को लेकर के, कम से कम केजरीवाल को लेकर या उनकी पार्टी में, अब वो भी पूरा हो गया है। जैसे कहते हैं ना, पूरा एक पैकेज होता है, पैकेज में थोड़ा सा भी कुछ कम हो जाए तो ठीक नहीं लगता। अब ये ईमानदारी के की डुगडुगी बजा के आने वाले लोग हैं ये केजरीवाल, ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो पीएम मोदी जब कहते थे परिवारवाद को लेकर, समझ ही में नहीं आता था। अच्छा, परिवारवाद की कहानी को लेकर आप कंफ्यूज तो नहीं है ना? बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि परिवारवाद क्या भाजपा में नहीं है? भाई देखो, अनुराग ठाकुर, पंकज सिंह, बहुत सारे नेता हैं, बोलेंगे ये परिवारवाद नहीं है। तो आप कंफ्यूज ना हो या भ्रमित ना हो, इसके लिए आपको एक लाइन में सिर्फ बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते हैं। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर उसमें टैलेंट होगा तो वो डॉक्टर बन सकता है। इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन जाए, उसमें कोई बुराई नहीं है दोस्तों, अगर उसमें टैलेंट होगा वो इंजीनियर बनेगा। नेता का बेटा नेता बन सकता है, अगर उसमें टैलेंट होगा उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर जन्मजात पैदा होते ही तय हो जाए कि इसका बेटा इस पार्टी का अध्यक्ष ही बनेगा, इसके बाद इसका बेटा या इसकी बीवी मुख्यमंत्री ही बनेगी अगर पार्टी जीतेगी, तो वो परिवारवाद है। बड़े ध्यान से रखिए, ये कोई नहीं कह सकता कि राजनाथ सिंह का बेटा भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष ही बनेगा, कोई दावा नहीं कर सकता। कोई नहीं कह सकता कि मोदी जी के बाद उनके घर का आदमी प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन कांग्रेस में तय है कि अध्यक्ष कोई भी बने लेकिन चलेगी गांधी परिवार की। दिल्ली में अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो केजरीवाल ने यह तय कर दिया है कि उनकी पत्नी का ही ठाट चलेगा, यही परिवारवाद है। और इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। और इसी संदर्भ में जब इंडिया अलायंस की कल बैठक होने जा रही है ना, तो यह खबर बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया अलायंस में पूरे देश भर की पार्टियां, ये परिवारवादी पार्टियां केजरीवाल के लिए ही लड़ रही, यही तो सामने आई थी ना खबर, तो वहां उनको आप ढाढ़स बंधाइए, मिलिए जाइए, लेकिन नहीं, इनकी प्रमुख भूमिका रहेगी दोस्तों, ध्यान रखिए। और इसीलिए सुनीता केजरीवाल से कल्पना सोरेन का मिलना बहुत बड़ी खबर है। मगर देखिए खेल हो गया, इंडी अलायंस की कल बैठक है, अब तक तो भूमिका चल रही थी, अब तो सबके सामने है, रामलीला मैदान सज गया, परमिशन मिल गई। यहाँ तो वैसे भी दिल्ली पुलिस परमिशन देने में कभी कोताही नहीं करती, अगर आप आइए मर्यादित ढंग से लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कीजिए तो मुझे नहीं लगता इस सरकार में कभी दिक्कत होती है। किसान भी कर सकते थे, लेकिन किसान जो अस्त्र शस्त्र लेकर आते हैं, अपना ढाल बना लेते हैं, उसमें प्रॉब्लम होती है, उससे आम जनता को दिक्कत होती है। तो रामलीला मैदान इनका सज गया है दोस्तों, तैयारियां पूरी हो गई हैं, और इनका जो पूरा गैंग है लेफ्ट लिबरल इको सिस्टम, वो भी पहुंच गया है। अब वहां जाकर के वॉक्स पॉप लेंगे, ओपिनियन सबके बीच में घुस के पूछेंगे, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये बनेंगे, केजरीवाल बनेंगे, अखिलेश यादव बनेंगे, और सब मोदी को विरोध करेंगे। अब देखिए मजेदार क्या होता है कि उस पब्लिक रैली में सब कार्यकर्ता ही तो होते हैं, नेता ही तो होते हैं। अब उसमें अगर किसी ने 100 लोगों का इंटरव्यू दिया लिया या दिखाया, तो वो 100 तो मोदी का विरोध ही करेंगे ना। अब उसी के आधार पर ये परसेप्शन बनाते हैं कि मोदी के खिलाफ लोगों की भावनाएं भड़क उठी हैं, और इसका हम बड़ा फायदा होता है, भाजपा को बहुत फायदा होता है, क्योंकि ये माहौल बनाते हैं और सारे लोग अपने एसी कमरे में बैठ के सोचते हैं कि अब तो हम जीत जाएंगे। यही हुआ था मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में दोस्तों, बता दूं आपको।
तो कल मेरे कहने का मतलब यह है कि जब ये भूमिका बांधी जा रही थी कि इंडिया अलायंस की बैठक हो रही है, तो बहुत सारी खबरें आई और आपको हैरानी होगी, एक खबर ये भी थी दोस्तों कि कल ही शीला दीक्षित की जन्म जयंती है और उसी दिन अरविंद केजरीवाल के लिए, जिसने 15 साल के शासनकाल के बाद शीला दीक्षित को हराया, उसके लिए कांग्रेस रैली कर रही है उसे दिल्ली में और उन्हीं के एनिवर्सरी के दिन। आप सोचिए, जन्म जयंती के दिन, आप सोचिए, अब पता नहीं क्या हुआ होगा, इनको समझ में आया होगा कि यार हम तो अपनी ही कब्र खोद रहे हैं, भले ही गठबंधन हो गया हो दिल्ली में। उसके बाद जानते हैं क्या हुआ, औकात दिखाई कांग्रेस ने। इधर आम आदमी पार्टी वाले बोल रहे हैं कि सब मेरे लिए जुटे हैं, केजरीवाल ही हमारे नेता होंगे, पूरा एनडीए गठबंधन उन्हीं के नेतृत्व में चलेगा, सांसद एक भी नहीं है। अब वो हवा फैलाए जा रहे हैं, अब जाके कांग्रेस ने उनको औकात दिखाई है और ऐसी औकात दिखाई है कि आपको समझ में आएगा कि इन लोगों का जो गठबंधन हुआ है ना, वो कितना स्वार्थ पर टिका हुआ है। मैं टू विंडो में आपको दोनों का बयान सुना रहा हूँ, एक तरफ जयराम रमेश हैं और दूसरी तरफ ये सौरभ भारद्वाज हैं। बड़े ध्यान से सुनिए दोस्तों और कमेंट कीजिए कि क्या आपको लगता है कि ये लोग देश को चला सकते हैं एक साथ। सुनिए, ये बार बार ये कह रहा हूँ क्योंकि आप ही लोग प्रचार करते हैं ना, तो इसीलिए मैं इसका बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। इंडिया जनबंधन की रैली है, किसी एक व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है और इसमें सारे पार्टियां शामिल, सारे नेता शामिल हैं, और व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं है, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, निष्पक्ष चुनाव को बचाने के लिए। हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, पर जिस तरीके से डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है रोज, उसके खिलाफ है रैली। इंडिया अलायंस के बड़े बड़े नेता भी इसमें अरविंद केजरीवाल जी के सपोर्ट में इस रैली में शामिल होंगे। आप लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर आइए, 31 मार्च रविवार सुबह 10 बजे रामलीला मैदान दिल्ली। सुन लिया आपने दोस्तों, आज तो वैसे भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त एड लॉन्च किया है, मगर एड वैड तो चलिए ठीक है, ये तो खुलकर कह चुके हैं ना कि सात, मतलब हर महीने के लिए अलग प्रधानमंत्री या हर साल के लिए अलग प्रधानमंत्री, 5 साल 5 प्रधानमंत्री, ये काम करेंगे आपको लगता है, जो एक विषय पर भी एकमत नहीं हो पा रहे हैं। और जयराम रमेश को आपने सुन लिया क्या कहते हैं कि मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, बार बार क्लियर कर देना चाहता हूं कि दिल्ली रामलीला मैदान में होने वाली रैली किसी एक व्यक्ति विशेष पर केंद्रित रैली नहीं है, इसमें सभी पार्टियां और उनके नेता शामिल हैं। ये किसी व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं है, बल्कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए है, निष्पक्ष चुनाव को बचाने के लिए है। ये रैली लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ है। अब जब मैं पढ़ रहा हूं ना, एक मजेदार वाक्या याद आ रहा है, आपको भी अच्छा लगेगा। ये सारे तो भगत सिंह बने हुए ना, पता है ना बोलना चाहिए कि नहीं पता नहीं, लेकिन कहना पड़ेगा, मुझे तो याद आ रहा है। और हमारे बड़े बुजुर्ग दर्शक भी हैं, मैं आपको बताता हूं, आप सहमत हो तो बताइएगा और ना हो तो भी कोई बात नहीं, कि गांधी जी पर तो बड़ा इल्जाम लगता है ना कांग्रेस पर, कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनको जब फांसी दी गई थी तो इन्होंने बचाया नहीं, होने दिया, ये मांग कर सकते थे, नहीं मांगा। ये सब भी भगत सिंह बने हुए हैं सारे लोग, पता है ना, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, ये सब भी भगत सिंह ही बने हुए हैं। और कांग्रेस ने ऐन मौके पर दोस्तों इनसे हाथ खींच लिया है, बोल रहे हैं कि इसके लिए नहीं है, ये तो लोकतंत्र बचाने के लिए। अब आप सोचिए, यही कांग्रेस की संस्कृति है और ये आम आदमी पार्टी वालों को भी सोचना चाहिए, आप बताइए सहमत है कि नहीं, यही कांग्रेस की संस्कृति है दोस्तों, ये ऐन मौके पर किससे कब कहां खींच लें समझ में ही नहीं आता। इमरजेंसी के बाद इसी तरीके से जो जनता पार्टी की सरकार बनी उनको धोखा दिया गया, इसी तरीके से आईके गुजराल को धोखा दिया गया, ये विश्वास के लोग हैं ही नहीं, ये कब कहां किसको धोखा दे दें समझ में ही नहीं आएगा। मैं कुछ कमेंट देख रहा हूं दोस्तों, सीए राजेश कंडोई जी लिखते हैं, मेरा इंडिया अलायंस वालों को सुझाव है कि कल रामलीला मैदान में
केजरीवाल की रिहाई तक आमरण अनशन की घोषणा कर देनी चाहिए। भैया मैं तो राजेश जी एकदम सहमत हूँ कि इनको वाकई बैठ जाना चाहिए कि जब तक केजरीवाल की रिहाई नहीं होगी हम आमरण अनशन करेंगे। और एक भरत पटेल जी लिख रहे हैं परिवारवादी पार्टी को, कहाँ चला गया, हाँ परिवारवादी पार्टी को कभी भी वोट मत देना, पारिवारिक पार्टियां सिर्फ अपने रिश्तेदारों को ही जॉब देते हैं और गरीब को कोई लाभ नहीं देते, मोदी जी ने जॉब योग्य नौजवान को ही दिया है। मैं बीच बीच में देखूंगा, लेकिन ये जो भगत सिंह वाला किस्सा आपको बताया, आप बताइए कि वो आप सहमत हैं कि नहीं। भाई उस समय कांग्रेस ने छोड़ दिया था उन लोगों को, कांग्रेस चाहती तो बचा सकती थी, गांधी इरविन पैक्ट और बाकी सारी चीज़ें जो इतिहास के संदर्भ में हैं, वहाँ तो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की चर्चा तक नहीं हुई। और भगत सिंह ने जो फेंका था बम, वो तो किसी को मारने के लिए भी नहीं फेंका था, वो तो सांकेतिक था। अब देखिए ये भी वही कर रहे हैं। हालांकि मैं किसी भी कीमत पर भगत सिंह के धूल के बराबर भी नहीं है, पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है ये लोग। ये लोग कुछ भी बोलें, खुद को तो भगवान ही बता चुके हैं, तो इनसे इनका क्या कहना दोस्तों। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल और इनका पूरा का पूरा जो कुनबा है वो फ्रॉड के मामले में दोनों की टक्कर है, एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ आम आदमी पार्टी। अब ये क्यों कह रहा हूँ ये भी आपको थोड़ा आगे बढ़ाते हुए बताता हूँ। देखिए इस खबर को, कल ही सुनीता केजरीवाल ने दोस्तों एक अभियान शुरू किया था, एक कैंपेन शुरू किया था आम आदमी पार्टी की तरफ से। और मैंने आपको बताया था कि सुनीता केजरीवाल कुछ भी नहीं है पार्टी में, उनकी कोई भूमिका नहीं है, कुछ भी नहीं है। और उसके बाद भी एक तो वो संदेश लेकर आती हैं और सुनाती हैं, तीसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन उन्होंने आम आदमी पार्टी की तरफ से, सुनीता केजरीवाल ने दोस्तों देश भर में एक कैंपेन लॉन्च किया। और आपको मैंने दो दो बयान सुनाए थे, उन्होंने व्हाट्सएप नंबर भी दिया था, देख लीजिए। और ये व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बयान में सुनाया था, देखिए क्या है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ जो सुनीता ने कहा था। आपने अरविंद केजरीवाल को अपना भाई अपना बेटा कहा है, क्या इस लड़ाई में आप अपने भाई और अपने बेटे का साथ नहीं देंगे? मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर, और नंबर बताया था 8297324624 दे रही हूँ। आज से हम एक अभियान शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है केजरीवाल को आशीर्वाद। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने अरविंद को आशीर्वाद भेज सकते हैं, आपका एक एक मैसेज उन तक पहुंचेगा। अब देखिए भाजपा वाले कई सारे लोग दोस्तों उन्होंने करना शुरू किया, बहुत सारे लोगों ने किया होगा, उनके भी कार्यकर्ता हैं, कुछ शुभचिंतक भी हैं, कुछ विरोधी भी हैं, सब ने किया होगा। मगर अब तो खेल हो गया, जो लोग भेज रहे थे उनको एक मैसेज आ रहा था, कोई ऑटोमेटिक मैसेज होगा, उसी से लोग खेल रहे थे। लेकिन अब आप देखिए ये शहजाद जय हिंद, इनका ये मेल देखिए आप, इनका वो देखिए दोस्तों, ट्वीट देखिए। माय सोर्स इन आप टेल्स मी दैट द व्हाट्सएप नंबर इश्यूड बाय मिसेज सुनीता केजरीवाल वाज डिलीटेड इन फ्यू आवर्स एज पीपल ऑफ दिल्ली एंड भारत डिमांडेड केजरीवाल रेजिग्नेशन इन ओवरवेलमिंग नंबर्स। ये लिख रहे हैं कि आपके सूत्रों से ने मुझे बताया कि सुनीता केजरीवाल ने कल जो व्हाट्सएप नंबर इश्यू किया था उसको कुछ ही घंटे में डिलीट कर दिया गया, क्योंकि दिल्ली के और भारत के लोगों ने भारी संख्या में केजरीवाल को मैसेज भेजकर उनसे इस्तीफे की मांग की थी। अब ये आगे लिखते हैं, इज दैट ट्रू आप, क्या ये सही है आम आदमी पार्टी, बताइए। Why are you going against court of law and public opinion and running सरकार from jail like Pablo Escobar? पता नहीं क्या लिखा है। अब ये पूछ रहे हैं आम आदमी पार्टी से कि क्या ये सही है, क्यों आप इस देश के कानून के खिलाफ जा रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन के खिलाफ जा रहे हैं, और आप जेल से सरकार चला रहे हैं। और देख लीजिए शहजाद जय हिंद, शहजाद जी ने जो है बकायदा वो नंबर भी डाला है जिसमें दिस फोन नंबर इज नॉट
करके ये पूरा लिखा हुआ है, यानी व्हाट्सएप नंबर गायब हो गया, ये खुद इन्होंने डाला है दोस्तों। और उतना ही नहीं, आपको भाजपा नेता बग्गा साहब उनका भी एक ट्वीट दिखाता हूं, देखिए, भाभी जी क्लोज्ड व्हाट्सएप सर्विस, भाभी जी ने व्हाट्सएप सर्विस बंद कर दिया, उसके बाद दो इमोजी भी डाला रोते हुए, देख लीजिए। और एक उन्होंने वो भी डाला, आप देखिए क्या इसमें गड़बड़ी है। मैसेज में लिखा है, दिल्ली वालों के खून पसीने के पैसे वापस कर केजरीवाल, चोरी और दलाली की कमाई तुझे पचेगी नहीं, ये लिखा है। उधर से जवाब आया, आपका केजरीवाल जी के लिए भेजा गया मैसेज मिला, इसके लिए दिल से आभार, मैं उन्हें आपका मैसेज पढ़वाकर आपको सूचना दूंगी, सुनीता केजरीवाल। अच्छा, ये जब भी मैसेज भेजे तो वो ऑटोमेटिक है, उधर से जवाब आएगा, यही जवाब आएगा। अब इन्होंने क्या किया, जब लिखा तो उधर से जवाब नहीं आया, तो इन्होंने पूछा, भाभी जी आपने नंबर डिलीट कर दिया, फिर लिखा, भाभी जी अब केजरीवाल को मैसेज कैसे भेजेंगे हम, भाभी जी डोंट डू दिस, वी विल नेवर से केजरीवाल इज चोर। अब देखिए, फिर इन्होंने, इनका कल भी था, अरविंद केजरीवाल जी की आत्मा शराब के ठेके के पास भटकती हुई दिखी, केजरीवाल जी के शरीर को बता दीजिएगा। इन लोगों ने खूब मैसेज भेजे। अभी आपको हल्का फुल्का लग सकता है कि ये थोड़ा अब राजनीति है, अब ये लोग भी तो वही नौटंकी कर रहे हैं ना, तो ये इधर भी नौटंकी शुरू हो गई। और सोचिए दोस्तों, लोकसभा चुनाव है, ये वाकई एक गंभीर चुनाव होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को देखिए आप, उनके काम करने के स्टाइल को देखिए, लेकिन इन लोगों ने, आम आदमी पार्टी ने इसको मजाक बनाकर रख दिया। और इसी वजह से इन लोगों का भी, आप याद रखिए, इन लोगों का भी दोस्तों पूरा मजाक बन रहा है, और इस मजाक में उनकी भावनाएं भी आहत होती होंगी, मैं जानता हूं। और शायद यही वजह है कि इस व्हाट्सएप नंबर को बंद करना पड़ा। और ये लोग खेलते हैं दोस्तों, मैं तो आपको चाहता तो मैं आपको वो सर्वे दिखाता जिसमें अरविंद केजरीवाल जो चाहते हैं उसको पब्लिक ओपिनियन की आड़ में करने का प्रयास करते हैं। उनको अगर चुनाव लड़ना है तो बोलेंगे हम पब्लिक ओपिनियन करा रहे हैं कि यहाँ की लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, और खुद ही रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। उत्तराखंड में यही किया कि उत्तराखंड में चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, हम पब्लिक ओपिनियन करेंगे, और खुद रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं, लड़ लेते हैं, और बोलते हैं कि हम सब जीत जाएंगे, जीते कुछ नहीं, उनका मुख्यमंत्री कैंडिडेट जो है उसकी जमानत जब्त हो जाती है। यही काम गोवा में किया। अच्छा, कहीं लह भी जाता है, ऐसा तो है नहीं कि आप इतने सारे झूठ सच बोलेंगे, कहीं हो भी जाएगा। अब वहां एक आध सीट जीत गए तो काम बन गया। पंजाब में यही तो किया भाई, पहले चुनाव में माहौल बनाया, खत्म हो गए, अब उस माहौल का असर देखिए कि दूसरी बार प्रचंड बहुमत से जीते। तो ये इनका खेल है दोस्तों, ये इतनी नौटंकी भारत की राजनीति में परोस चुके हैं कि उसी का असर है कि आज उन्हें उन्हीं नौटंकियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये नौटंकी कहने के लिए तो हो सकती है, लेकिन कानून की धाराएं नौटंकियां नहीं मानती दोस्तों। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल जिस शराब घोटाले में जेल के भीतर है, वो बहुत बड़ी मुसीबत में न केवल फंस चुके हैं, बल्कि ये पूरी की पूरी सरकार फंसती जा रही है। पूरी सरकार दुनिया की इकलौती ऐसी सरकार होगी जो प्रचंड बहुमत से जीतने के बाद महान भ्रष्टाचार में जुट गई, सिर्फ एक मकसद, भ्रष्टाचार। और देखिए आज की खबर देखिए, कैलाश गहलोत 5 घंटे बाद ईडी दफ्तर से निकले, शराब घोटाले में हुई पूछताछ। इतने सारे मंत्री, बड़े बड़े नेता जेल पहुंच गए, अब ये कैलाश गहलोत जी का भी नंबर आ गया। हमें कभी लगता है कि यार ये पीछे पड़े, लेकिन पीछे कहाँ पड़े, अभी अभी मैं आपको कैलाश गहलोत जी के बारे में बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। पढ़ देता हूँ दो लाइन इसकी, प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को समन भेजकर आज ही पेश होने का निर्देश दिया, आज ही। आप सोचिए, ईडी के इस समन पर पूछताछ के लिए कैलाश गहलोत जांच एजेंसी के ऑफिस पहुंचे, वहां उनसे 5 घंटे तक
पूछताछ की गई 5 घंटे तक। अब ईडी का मामला तो बड़ा गंभीर है, कोई हल्के में तो ले भी नहीं सकता। वो तो केजरीवाल ने नौ नौ समन दे दी, भिजवा दिया, वरना हल्के में तो कोई नहीं ले सकता दोस्तों। और इसीलिए कैलाश गहलोत को जब बोला गया कि आज ही आइए तो उनको जाना पड़ा। उनको भी पता है कि जब मुख्यमंत्री सरेंडर कर चुका है, कोर्ट के भीतर कह रहा है कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप ईडी रिमांड में जब तक चाहे रख लीजिए, तो ये कैलाश गहलोत जी क्या बोलेंगे? बोले चलो भैया पूछताछ कर लेते हैं, वैसे भी क्या काम है, क्या करेंगे। अब देखिए दूसरी रिपोर्ट, कैलाश गहलोत से ईडी की पूछताछ खत्म। अब दिल्ली शराब घोटाले मामले में 5 घंटे तक हुई पूछताछ। मैं थोड़ा अंदर का हिस्सा पढ़ता हूं, फिर आपको कहानी पता चलेगी। ईडी ने अपने आरोप पत्र में यह भी आरोप लगाया है कि गहलोत के पास, कैलाश गहलोत के पास एक ही सिम नंबर था, बाकी लोगों ने तो बड़े मोबाइल नष्ट कर दिए, 170 से ज्यादा उपकरण, लेकिन कैलाश गहलोत जी के पास एक ही सिम नंबर था, लेकिन उनकी IMEI यानी अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान, जो हर मोबाइल नंबर का एक यूनिक नंबर होता है मोबाइल का, उसे 3 बार बदला गया। आप समझ रहे हैं, सिम तो एक ही है, एक ही सिम नंबर, लेकिन 3 बार उसकी IMEI बदल दी गई। एजेंसी ने अपने आरोप पत्र में गहलोत के नाम का उल्लेख किया है और मामले को पहले गिरफ्तार किए गए आपके संचार प्रभारी विजय नायर के संदर्भ में कहा कि नायर गहलोत को जो बंगला आवंटित किया गया था कैलाश गहलोत जी को, उसी बंगले में रहते थे और वो गिरफ्तार हो चुके हैं। आप समझ रहे हैं ना, आम आदमी पार्टी का जो संचार प्रभारी है विजय नायर, वो गिरफ्तार है और कितने बड़े खुलासे कर रहा है, और वो बता रहा है कि वो उसी के बंगले में रहता था, मंत्री जी के बंगले में। अब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि आखिर एक्साइज पॉलिसी से, शराब नीति से इनका क्या कनेक्शन है। अब मैं आपको वो बता देता हूं, वो इस रिपोर्ट में लिखा है, मैं आपको रिपोर्ट से ही सारी चीजें बता रहा हूं दोस्तों, इधर उधर से सारी चीजें निकाल के, ताकि आपको एकदम सीक्वेंस में पूरी कहानी पता चल जाए। जांच एजेंसी का कहना है कि कैलाश गहलोत उस ग्रुप का हिस्सा थे जिन्होंने इस शराब नीति के मसौदे को तैयार किया था, यानी जिन लोगों ने, जिस ग्रुप ने मिलकर शराब नीति को तैयार किया, कैलाश गहलोत उसका हिस्सा थे। ये मसौदा, आगे की लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, साउथ के ग्रुप को लीक किया गया था। बताइए, बहुत 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 सीक्रेट दस्तावेज होता है दोस्तों, किसी कैबिनेट का कोई भी ब्रीफिंग या कोई भी फैसला या कोई भी मसौदा बहुत सीक्रेट होता है। जानते हैं कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि शरद पवार जब कृषि मंत्री थे, और आपको पता है कि शरद पवार के तो बहुत सारी मंडियां हैं और शुगर मिल है, तो शुगर के दाम कम रहे थे, सबको नुकसान हो रहा था, तो उन्होंने सिर्फ एक लाइन कही कि चीनी के दाम महंगे हो सकते हैं। आपको पता है सब महंगा हो गया, सारे चीनी मिल मालामाल हो गए, और ये अप्रत्याशित रूप से बढ़ा, क्योंकि जब कृषि मंत्री कह रहा है तो फिर क्या होगा भाई, कोई नीति बनती है, मान लीजिए कि गाड़ियों में वो बढ़ने वाला है, या सरकार का बढ़ना है, मतलब हेल्प जो सरकार करती है किसी भी सेक्टर में, वो सहायता बढ़ने वाली, अगर किसी को पता चल जाए तो वो क्या करेगा, वो जाकर उस सेक्टर के सारे शेयर खरीद लेगा, तो वो तो घंटे भर में ही अरबपति खरबपति बन जाएगा ना। आप सोचिए, तो इसका मतलब है कि कैबिनेट के जो फैसले होते हैं, कैबिनेट में जो काम होता है, सरकार का जो काम होता है, वो बड़ा गोपनीय होता है दोस्तों। और इसमें क्या लिखा है बड़े ध्यान से सुनिए, जांच एजेंसी ने बताया कि कैलाश गहलोत उस ग्रुप का हिस्सा थे जिसने इस शराब नीति के मसौदे को तैयार किया था, यह मसौदा साउथ ग्रुप के को लीक किया गया था। ईडी ने पहले भी कहा था कि इस दौरान कैलाश गहलोत ने अपना मोबाइल नंबर भी कई बार बदला था। जांच एजेंसी इसी केस मामले में
मनीष सिसोदिया सहित अरविंद केजरीवाल को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, सत्येंद्र जैन को भी गिरफ्तार कर चुकी है। तो इसका मतलब अब लिख लीजिए कि एक और मंत्री अब गिरफ्तार होने वाले हैं जल्द ही। और केजरीवाल ने जो पूरा एकदम डुगडुगी बजाकर ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया था ना, अब उस सर्टिफिकेट में एक और नायाब हीरा, कोहिनूर हीरा जुड़ने वाला है। लेकिन केजरीवाल के जो सर पर सिंग लगे हैं ना ईमानदारी के, उसमें आज एक और सिंग लग गया। वो शराब घोटाले से अलग है दोस्त, जानते हैं कौन सा है? मैं वो भी दिखा देता हूं, देख लीजिए। दिल्ली जल बोर्ड, एक नया मामला, आज चार्जशीट दाखिल की गई है। ये जो दिख रहा मुझे, ये तो जन्म भर में भी नहीं छूट पाएंगे, सजा हो ना हो तो अलग चीज है। इतने सारे गुनाहों की लिस्ट, आरोपों की लिस्ट आप देखिए। दिल्ली जल बोर्ड ने घोटाले में ईडी ने चार्जशीट फाइल की, जगदीश अरोड़ा और अनिल अग्रवाल को बनाया आरोपी। जानते हैं दोस्तों, आज ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में राउज रेवेन्यू कोर्ट में 8000 पन्नों की चार्जशीट फाइल कर दी है, 8000 पन्नों की। और ये पहली चार्जशीट फाइल की है ईडी ने। अपनी चार्जशीट में जगदीश अरोड़ा, अनिल अग्रवाल और जगदीश अरोड़ा के करीबी और चार्टेड अकाउंटेंट तजिंदर सिंह समेत एनबीसीसी के पूर्व अधिकारी देवेंद्र कुमार मित्तल और एक कंपनी है एनकेजी, उसको भी आरोपी बनाया है। ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड मामले में 8000 पन्नों के दस्तावेज दाखिल किए, जिसमें 140 पेज ऑपरेटिव पार्ट है। ईडी द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेज में एनकेजी कंपनी को आरोपी बनाया गया है। अब राउज रेवेन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। अब तो ऐसा लगेगा आपको कि केजरीवाल का आना जाना तो कोई न्यूज भी नहीं रहा। 1 अप्रैल को सुनवाई होगी राउज रेवेन्यू कोर्ट में। और याद कीजिए, पहले सिसोदिया साहब, संजय सिंह जी, ये जब कोर्ट आते थे तो रोज एकदम बयानवीर बन के आते थे, आते जाते एक नया बयान देते थे। अब सुनते हैं आप, बताइए ना, कहीं भी आपको सुनाई पड़ती है? अभी तो संजय सिंह सांसद का शपथ लेने गए थे राज्यसभा, कुछ आपको सुनाई पड़ा? नहीं पड़ा होगा, वही केजरीवाल का होगा दोस्तों। और आप ये रिपोर्ट देखिए, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, ईडी ने दाखिल की चार्जशीट, जाने किन्हें बनाया आरोपी। अब इसके हिसाब से जो कुछ खबरें और भी बताता हूं। घोटाले का पैसा आपके नेताओं और इलेक्शन फंड के लिए दिया गया, ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर भाजपा को घेर रहे हैं, मोदी जी को घेर रहे हैं। अब बताइए, ये घोटाले का पैसा आम आदमी पार्टी के चुनाव में लगाया जा रहा है। ईडी के मुताबिक जल बोर्ड घोटाले का पैसा आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिया गया, पैसा आपके इलेक्शन फंड के लिए भी दिया गया। ईडी ने इस मामले में पूछताछ के लिए, अच्छा ये ऐसा नहीं कि अचानक से सब कुछ हो गया, ये भी बता दूं इसमें केजरीवाल भी फंस चुके हैं। और इसी मामले में दोस्तों ईडी ने अरविंद केजरीवाल को एक समन भेजा था और 18 मार्च को पेश होने के लिए कहा था, 18 मार्च को वो नहीं आए, उस समन में भी नहीं आए ईडी। और अब तो पूछताछ कर सकती है ना, अब तो ईडी के हिरासत में अलग से ले लेगी ईडी। ईडी के मुताबिक इस घोटाले में दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन चीफ इंजीनियर जगदीश अरोड़ा ने यह बात जानते हुए भी कि एमएसएनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी टेक्निकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरी नहीं करती है, 38 करोड़ रुपए के ठेके एनकेजी को दिए गए थे। एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने जाली दस्तावेज जमा करके अनुबंध हासिल किया था, यानी एक कंपनी दोस्तों जो एलिजिबल ही नहीं थी, उसने दस्तावेज भी जाली बनाया और उसको 38 करोड़ रुपए का ठेका दे दिया गया। अब देखिए इस खबर को, जगदीश अरोड़ा ने रिश्वत का पैसा आप तक पहुंचाया। जल बोर्ड के तत्कालीन चीफ इंजीनियर जगदीश अरोड़ा ने ही रिश्वत का पैसा आगे आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों तक पहुंचाया। इसी मामले में 31 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय ने जगदीश कुमार अरोड़ा
और अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया। ईडी ने एक बयान में आरोप लगाया कि एनकेजी को ठेका देने के बाद अरोड़ा ने नकद और बैंक खातों में रिश्वत ली और दिल्ली जल बोर्ड मामलों का प्रबंधन करने वाले विभिन्न लोगों को पैसा दिया, जिसमें आम आदमी पार्टी से जुड़े लोग भी शामिल हैं। ये पैसा आपके इलेक्शन फंड के लिए दिया गया। ये दूसरा मामला है जिसमें ईडी ने आप पर रिश्वत का आरोप लगाया है। लेकिन बात इतनी से नहीं है, इसमें तो बहुत सारी गड़बड़ियां हैं दोस्त। जानते हैं क्या है, आप देखिए इसे। जिस एनकेजी कंपनी को टेंडर मिला दोस्तों, उस कंपनी ने कोई काम ही नहीं किया। एक तो वो कंपनी एलिजिबल नहीं थी, उसने फर्जी दस्तावेज बनाया, उसके बाद भी काम दिया गया और उस कंपनी ने काम भी नहीं किया। मैं दो लाइन पढ़कर सुनाता हूं। एनकेजी ने कोई काम नहीं किया था, उसको टेंडर मिला था, एनबीसीसी के रिकॉर्ड में एनकेजी के बारे में कुछ नहीं था, आप सोचिए। और दिल्ली जल बोर्ड ने एनकेजी को 38 करोड़ का टेंडर दे दिया, 24 करोड़ रुपए जारी भी हो गए। अब दिल्ली जल बोर्ड की जब बात हो रही है तो दिल्ली के लोग जानते हैं दोस्तों कि आज भी 9 साल पूरा करने के बाद इस सरकार में दिल्ली के लोग पानी की किल्लत से किस प्रकार जूझते हैं। वही टैंकर माफिया, लोगों की मारपीट, अब तो ये खबर आप देख भी नहीं सकते हैं। ये तो ऐड का असर है। वो दिल्ली सरकार जितना प्रचार में पैसा देती है ना, हिम्मत नहीं है किसी अखबार वालों की या टीवी वालों की कि वो दिखा सकें। जो दिखा देंगे ना, उनका तो ऐड ही कैंसिल हो जाएगा। तो ये दिल्ली जल बोर्ड का आप घोटाला देखिए। अब एक और देखिए, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, ये 7 फरवरी की खबर आपको दिखा रहा हूं। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में बड़ा खुलासा, ईडी ने कहा पैसा आप नेताओं को दिया गया। और इस दिन क्या हुआ था, मैं सारी चीजें आपको दिखा रहा हूं। फरवरी 2024 में आम आदमी पार्टी के नेताओं के 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। ऐसा नहीं है कि ईडी ने तुरंत सब कुछ कर दिया, बड़ा होमवर्क करके आए हैं। अच्छा, मैं एक दूसरे गैंग के लोगों का, जो मोदी विरोधी गैंग है, उसका एक वीडियो देख रहा था, तो बड़े माने क्या उसको बोलेंगे, कलस रहे थे। जानते क्या कह रहे थे कि कुछ भी कहो, केजरीवाल को टक्कर देने के लिए मोदी के पास जो अधिकारी है ना, वो भी बड़े शानदार हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं, वो भी उसी शैली में काम करने लगे हैं, मोदी को शुक्रगुजार होना चाहिए। आप सोचिए, चलो भैया कुछ तो मान लिया इन लोगों ने। तो फरवरी में दोस्तों आम आदमी पार्टी के नेताओं के 12 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी ने जल बोर्ड केस में केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट विभव कुमार, आपके राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता, दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सदस्य शलभ कुमार, चार्टर्ड अकाउंटेंट पंकज मंडल और कुछ लोगों के घर पर छापा मारा था। तलाशी अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल एविडेंस मिले थे और करीब 2 करोड़ रुपये की कीमत का सामान, 4 लाख रुपये की फॉरेन करेंसी जब्त की गई थी। और मैं आखिर में दोस्तों ये जरूर बताऊं कि ईडी इस मामले में, दिल्ली जल बोर्ड के मामले में, 2 मामलों की जांच कर रही है। पहला मामला है जिसमें एनकेजी को जो काम दिया गया, जो टेक्निकल एलिजिबिलिटी पूरी नहीं कर रही थी, उसने टेंडर हासिल किया, ये तो एक मामला है। और दूसरा मामला है कि दिल्ली जल बोर्ड के बिल पेमेंट के भुगतान के लिए जगह जगह ऑटोमेटिक मशीन लगाई जानी थी, मशीन लगाई भी गई, बिल के भुगतान हुए भी, लेकिन ये पैसा दिल्ली जल बोर्ड के अकाउंट में कभी जमा हुआ ही नहीं। ये दूसरा मामला है, कितने मामले बताऊं। अब तो दिल्ली जल बोर्ड या इस तरह के मामलों में दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें मैं बता भी सकता हूं, लेकिन मानकर चलिए, क्योंकि ये मामला इतना फैल चुका है, इनके भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं और इतने मामलों में ये फंसे हुए हैं, कि अगर मैं ये कह दूं कि आम आदमी पार्टी इस चुनाव के बाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, सर्वनाश हो जाएगा इसका,
तो आप चौंकिएगा मत, क्योंकि इस पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार में हुआ है। ये पार्टी झूठ बोलकर अपना अस्तित्व बनाई है, ये पार्टी झूठ के दम पर अपने अस्तित्व को बनाए हुए, ये पार्टी झूठ बोलकर आगे बढ़ना चाहती है। इसका सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी पर ये काम करती है। इस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है, ये पार्टी कहीं स्टैंड नहीं करती, ये पार्टी हर पल अपनी सुविधाओं के अनुसार अपनी विचारधारा बदल देती है। ये पार्टी स्वार्थ के वशीभूत होकर काम करती है। इस पार्टी का कोई भी ऐसा पैमाना नहीं, कोई स्टैंडर्ड नहीं है जिस पर यह अडिग हो सके। ये पार्टी, इस पार्टी का मुखिया बच्चे की कसम खाकर कांग्रेस से गठबंधन कर सकता है। इस पार्टी का मुखिया अपनी नानी की बात बताकर भी श्री राम मंदिर के नाम पर लोगों को ठग सकता है। ये व्यक्ति जाति की राजनीति करता है, धर्म की राजनीति करता है, लेकिन कहता कुछ और है। इसीलिए आम आदमी पार्टी का अस्तित्व खत्म होना मुझे लगभग तय लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, कल इंडिया अलायंस की बैठक होगी, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कहानियां बची हुई हैं। कल जब सुनीता केजरीवाल, कल्पना सोरेन और तमाम लोग जब मंच पर होंगे, राहुल गांधी होंगे, तो देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिर क्या निकलता है। तो और इसके अलावा HB मेलोडी के बारे में मैं आपसे संवाद करूं जरूर कहूंगा दोस्तों। HB मेलोडी पर आइए, संपर्क कीजिए, हमारे गीतों को देखिए, HB शॉर्ट्स पर आइए, और चलिए आपसे थोड़ा चर्चा भी कर लेते हैं दोस्तों। नरेंद्र चौधरी जी लिख रहे हैं, अगला नंबर किसका, तो दिखा दिया कैलाश गहलोत जी हैं, अभी तो पूछताछ हो रही है। एक एडवोकेट साहब, HKM मिसिस केजरी भी मास्टरमाइंड है, अब ये तो मैं नहीं कह सकता। प्रवीण जी, गुड जॉब सर, थैंक यू। AK सिंह, रामलीला मैदान में देशद्रोहियों भ्रष्टाचारियों का महासम्मेलन, राकेश शर्मा जी, उनका मकसद पूरा हो रहा है, आज हर तरफ उनकी बात हो रही है। फिर नरेंद्र चौधरी जी, एकांत जी, AK सिंह जी, संजय मुदगल जी लिख रहे हैं, 2 करोड़ दिल्ली, ऑल चोर मुसेरे भाई लिख रहे हैं। करुणा जी, गीता जी, सबको जय सिया राम, खेलकूद जी, एकांत जी, पहाड़े जी, थैंक यू आपको। किरीट पटेल जी, कुर्सी के लिए पति की पता नहीं क्या लिखा है। गीता जी, प्रदीप जी, परमानंद यादव जी, आप पीछे हो गए परमानंद यादव जी, आप देखिए हम आपके फैन हो गए, अब तो आपका पहला नंबर देखता हूं मैं। योगिंदर जी, मनसुख जी, सुषमा जी, शीतल जी, प्रदीप जी, सबको धन्यवाद। प्रदीप कुमार लिखते हैं, USA US आदि का केजरीवाल के हक में जाकर बकवास करना, CBI NIA की जांच पड़ताल का आधार बनेगा, रिमांड पर लिया जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप योगिंदर जी। भरत पटेल जी, आपका तो मैंने पढ़ लिया था। CA राजेश कंडोई जी, आपका भी पढ़ लिया। जगदीश जी, थैंक यू आपको। योगिंदर राव जी, भरत पटेल जी, आपने बिल्कुल सत्य और सर्वोत्तम बात कही है। अब देखिए, आप लोग जो विमर्श करते हैं मुझे उसमें अच्छा लगता है, ये भी एक अच्छी पहल है कि हम आपस में बात करते हैं और कमेंट के जरिए भी बात करते हैं। देविंदर जी, तिवारी जी, खेमचंद जी, राकेश जी, सबको धन्यवाद। आगे बढ़ूं मैं, इंडियन हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, दोनों आगे पढ़ लीजिएगा। संजय मुदगल जी, प्लीज सी ऑल चोर मोसेरा भाई। राजेश कुमार जी, प्रदीप जी, प्रहलाद जी, अभिषेक जी, हंसा पटेल जी क्या लिखते हैं। हरीश जी, आपके पास कोई ज्योतिष शास्त्र है क्या जो सवाल हमारे मन में आते हैं उन सब का जवाब दे देते हो? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कि मतलब ये आप कह सकते हैं कि आपके मन में जो सवाल आते हैं वही हमारे मन में आते हैं, और फिर हम जुट जाते हैं कि ज़रा उस पर खोजबीन की जाए। क्योंकि क्या है, हम प्रधानमंत्री मोदी, हंसा पटेल जी एक बात ज़रूर कहते हैं, और पता नहीं आपको ध्यान हो, 2014 में जब वो चुनाव जीत कर आए थे और जो पहली बार भाषण दिया था, उसमें उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था अपने सभी भाजपा के लोगों को खास करके कि हम अपनी मेहनत में कोई कसर ना छोड़ें, और जनता इस बात को देखती है कि आपके फैसले गलत हो सकते हैं, आपके कोई काम गलत हो सकते हैं, लेकिन आपकी नीयत गलत नहीं होनी चाहिए।
तो मैं बताना ये चाहता हूं कि जब हम एक नियत से काम करते हैं, जब हमारा मकसद बहुत क्लियर होता है, तो हमारे सवाल भी एक जैसे होते हैं और हमारी सोच भी एक जैसी होती है। और इसीलिए मैं शायद वो चीज़ें ढूंढ कर निकालने की कोशिश करता हूं जो आपके भी मन में है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्रदीप जी, कर्नेल जी, राम प्रसाद जी, संजय जी, अनिल सिंह जी, राम राम जी आपको कहता हूँ, फतेह सिंह जी, मनमोहन जी। थोड़ा और नीचे जाता हूँ, कन्हैया लाल शर्मा लिखते हैं, केजरीवाल की आत्मा मुख्यमंत्री कुर्सी के पास ही घूम रही है, लिख रहे हैं। देव वर्मा, ठग्गू शराब सरगना लिखते हैं, योगिंदर राव जी, महान राम तोडानी जी, प्रफुल्ल जी, सबको धन्यवाद, सबको जय सियाराम। थोड़ा और नीचे आता हूँ मैं, भारती त्रिवेदी जी रैली में 500 देके बुला रहे हैं, एके सिंह तोमर रामलीला मैदान में फर्जीवाड़ा सम्मेलन, नीरज दब दह बारा जी, केजरीवाल जी बहुत शातिर हैं, इनके बयान, इनकी पार्टी कार्यकर्ताओं के बयान ये होते हैं कि वो जो पूरा दिमाग घुमा देते हैं। भानु कुमार शाह जी लिखते हैं, दिल्ली में चोर मचाए शोर, सत्यमेव जयते। बनवाल जी, ये बहरूपिया लोकसभा चुनाव से पहले तो बाहर नहीं आ जाएगा, मुझे तो नहीं लगता, बाकी तो कोर्ट ही तय करेगा। अंबालाल पटेल जी, सत्यमेव जयते। के योगिंदर जी, दीपक यादव जी, आप सभी को धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। इस वीडियो तक लोगों को पहुँचाइए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपना प्रेम बनाए रखिए। दोस्तों, आपका प्रेम और स्नेह ही मेरी ताकत है, आपके हौसले की मुझे भी ज़रूरत है, आपका प्रोत्साहन ही मुझे और परिश्रम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय सियाराम।